आज हम अपने YouTube सेटअप पे एक नए मेंबर का वेलकम करने वाले हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ऑडियो एरे ने मुझे ये माइक, ये पूरा किट मुझे भेजा है और उन्होंने बोला है कि इस माइक के बारे में जो भी आपको ओपिनियन है अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें, जो कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। चाहे आप YouTube वीडियोस बनाते हो, या आप पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हो, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, या आप किसी वीडियो में वॉइस ओवर देना चाहते हो, एक अच्छा माइक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बोल रखा है कि अगर आप 4K में वीडियो शूट करते हो, आप 4K में वीडियो अपलोड कर रहे हो YouTube पे, लेकिन उसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी आवाज जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, या कोई हिसिंग साउंड है या कोई नॉइज है, तो वो कान को इरिटेट कर सकता है और कोई भी वैसी वीडियोस नहीं देखना चाहता है। वो वीडियो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे ओ विजुअल्स तो काफी अच्छे हैं बट कान में इरिटेटिंग लग रहा है, तो वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको आज इस माइक के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आप जब माइक खरीदने जाओ तो आप डिसाइड कर पाओ कि आपको ऑडियो एरे का माइक AMC1 लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स है। इस माइक में हाई सैम्पलिंग रेट है जो कि 192 किलोहर्ट्ज़ है। कॉर्डियार्ड पोलार्ड पैटर्न है, इसका मतलब माइक सिर्फ सामने से रिकॉर्ड करता है और पीछे से रिकॉर्ड नहीं करता, जिसका फायदा यह होता है कि अगर आप इस साइड से बोल रहे हो और पीछे कोई नॉइज जा रहा है या पीछे कोई नॉइज है, तो वो उसको कम रिकॉर्ड करेगा और आपकी वॉइस को वो क्लियर रिकॉर्ड करेगा। जब आप इस माइक से रिकॉर्ड करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि माइक का जो लोगो वाला साइड है वो अपने मुंह के साइड होना चाहिए, यानी कि आपके फेस के साइड होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से और क्लियर आपका आवाज रिकॉर्ड कर सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे सामने और इस साइड में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप आराम से क्लियरली आवाज सुन सकते हो कि कैसी आवाज जा रही है। अब मैं माइक के पीछे जाता हूं और फिर आपको आवाज सुनाता हूं कि क्या आपको फर्क नजर आएगा। और अब मैं माइक के पीछे हूं और आप क्लियरली सुन सकते हो कि आवाज उतना क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो रहा जैसा कि सामने से रिकॉर्ड हो रहा था, तो पीछे का जो नॉइज है वो काफी कम रिकॉर्ड होता है इस माइक में। इस माइक में मल्टी सिस्टम कंपैटिबिलिटी है, इसका मतलब अपने विंडो पीसी के साथ यूज कर सकते हो, आप अपने मैकबुक के साथ यूज कर सकते हो, आप अगर किसी के पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो। अगर आपका एंड्रॉयड फोन OTG केबल सपोर्ट करता है तो आप उसके साथ भी इस माइक को OTG केबल से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। इसको मैंने अपने iPad के साथ कनेक्ट करके यूज किया है क्योंकि iPad में OTG कनेक्शन सपोर्ट है, बट अपने iPhone के साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें OTG सपोर्ट नहीं है। ये एक USB माइक है, तो इसको कनेक्ट करना बहुत ज्यादा ईजी है और इसको यूज करना भी बहुत ज्यादा ईजी है। बस आपको इसका USB कनेक्टर है वो अपने किसी भी डिवाइस में, जहां भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उसे कनेक्ट करो और फिर आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते। इसको यूज करने के लिए कोई भी ड्राइवर या कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है, तो बहुत ज्यादा इजी है यूज करना, बस प्लग करना है और यूज करना है, दैट सिंपल। अब बात करते हैं कि जब आप इसको खरीदोगे तो आपको इसके बॉक्स में क्या क्या साथ में मिलेगा। सबसे पहले आपको एक बूम आर्म मिलेगा, ये 13 इंच का बूम आर्म है। आप इसको अपने टेबल के साथ अटैच कर सकते हो और आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हो जिस पोजीशन में आपको इसको रखना है। जैसे कि मैं रिकॉर्ड करूँ, अगर आपको इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना है या आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, तो आप इस तरह से इस माइक को अटैच करो अपने टेबल के साथ और ये फिक्स रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। ये बूम आर्म जो है काफी अच्छी क्वालिटी का है, ऐसे नहीं लगता कि किसी चीप मटेरियल से बना है, तो काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। कॉन्फिडेंट रहोगे कि इस माइक को कोई भी हार्म नहीं होगा इस बूम आर्म से अटैच करने के बाद। एक छोटा सा ट्राइपॉड भी मिलता है, अगर आप ऐसे बूम आर्म अटैच नहीं करना चाहते, आप बस कहीं टेबल पर रख के यूज करना चाहते हो, तो आप उस छोटे से ट्राइपॉड को भी यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली माइक रहता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, माइक काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है, टच करोगे तो आपको ऐसा लगे कि आपने कोई बहुत महंगा माइक लिया है, मेटल का बना हुआ है, हैवी फील होता है, तो क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलने वाला जब आप इस माइक को लोगे। तो फिर आपको एक मिलता है शॉक माउंट, जो कि थोड़ा बहुत शॉक अब्सॉर्ब करता है। जब मैं इस माइक को मूव करता हूँ या एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये माइक मूव होता है, क्योंकि ये हैवी है तो ये माइक मूव होता है, बट ये शॉक माउंट उसको माइक में रिकॉर्ड करने से प्रिवेंट करता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द जो नॉइज है उसको शॉक माउंट जो है वो एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है और उससे नॉइज थोड़ा कम कर देता है। फिर आता है ये विंड मफ, जो कि मैं इस अभी यूज कर रहा हूँ। ये अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से हवा जा रहा है, या अगर मैं फैन चला रखा है और उससे हवा जा रहा है, तो वो माइक ना रिकॉर्ड करे। फिर आता है पॉप फिल्टर, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम पी ज्यादा प्रोनाउंस करते हैं या हैवीली प्रोनाउंस करते, थोड़ा प्रेशर देकर प्रोनाउंस करते हैं पी या एफ। एयर बहुत ज्यादा फास्ट रिलीज होता है, जो भी मैंने ऐसा कुछ वर्ड यूज किया जिसमें अचानक मैंने बहुत ज्यादा हवा छोड़ा, तो वो पॉप फिल्टर उसको प्रोटेक्ट करता है। एक केबल मिलता है जो कि माइक को कनेक्ट करता है आपके USB डिवाइस से, जैसे कि आप देख सकते हो ये वायर जा रहा है। मेरी हाइट 5'10" 5'11" है और ये मेरे से भी ज्यादा लंबा है, आई गेस ये ऑलमोस्ट 2 मीटर का होगा। उसके बाद 4 जिप टाइज मिल जाते हैं केबल मैनेजमेंट के लिए। अगर आप ऐसे माइक अटैच कर रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लगा रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आप ऐसे जिप टाइज लगा के अपने केबल मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने माइक को अपने टेबल से अटैच कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अटैच कर रखा है इस माइक को
बूम बूम और आराम से यूज कर सकते हो जब भी आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या वॉइस ओवर दे रहे हो किसी वीडियो में। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी का। वैसे इस पूरे वीडियो में जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप इसी माइक के थ्रू सुन रहे हो, क्योंकि मैंने ये पूरा वीडियो यही ऑडियो एरे AMC1 से बनाया है। किसी तरह का एडिटिंग नहीं है, किसी तरह का नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। इस वीडियो में जो भी ऑडियो है वो इस माइक से डायरेक्टली रॉ है। तो जैसा अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, ये माइक वैसा ही रिकॉर्ड करता है, एग्जैक्टली सेम। जैसा कि आप सुन रहे हो, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, शार्प है, या आपकी रियल आवाज को रिकॉर्ड करता है और फेक बेस ऐड करने की कोशिश नहीं करता। मेरे को फेक बेस नहीं पसंद है, फालतू की मेरी आवाज हैवी नहीं जानी चाहिए। जैसी मेरी आवाज है वैसा रिकॉर्ड करो। अगर मेरे को उसमें हैवीनेस ऐड करना होगा तो मैं वो सॉफ्टवेयर से ऐड कर सकता हूं। अगर कोई माइक मेरी रियल वॉइस रिकॉर्ड करता है तो वो ज्यादा बेटर है। अब मैं अपने रूम का फैन चलाता हूं और फिर देखते हैं कि ये कितना नॉइज रिकॉर्ड करता है फैन का और कैसा आवाज रिकॉर्ड करता है मेरा जब फैन चल रहा हो। अभी ठंड का टाइम है और फैन चलाया तो और ठंड लग रही है। इस वाले कैमरे में आप देख सकते हो कि फैन फुल स्पीड में चल रहा है, जो कि मेरे फैन का फुल स्पीड है। मैंने वो पूरा रेगुलेटर फुल कर रखा है और इसमें इससे आपको इस माइक में कितना नॉइज रिकॉर्ड हो रहा है फैन का वो पता चल जाएगा। नहीं रिकॉर्ड हो रहा है तो वो अच्छी बात है। अब अभी तो मेरे को पता नहीं चल रहा, एडिटिंग के टाइम ही समझ आएगा कि कितना ये नॉइज रिकॉर्ड कर रहा है फैन का। अब फैन बंद करके आता हूँ। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ऑडियो एरे का AMC1 एक अच्छा ऑप्शन है माइक अगर आप खरीदना चाहते हो तो। ये वॉइस अच्छा रिकॉर्ड करता है, देखने में और फील में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। इसके साथ सारी एक्सेसरीज भी मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर, अभी मैं अमेजोन पे इसका प्राइस चेक कर रहा हूँ, इसका प्राइस है 2990। इस माइक का बेस्ट बाय लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से इस माइक को खरीद सकते हो। अगर आप इंडोर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये माइक काफी ज्यादा अच्छा है। व्हाट इफ आप वीडियो बाहर रिकॉर्ड करना चाहते हो, आउटडोर रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप इस माइक को कैरी नहीं कर सकते। हर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक शॉटगन माइक चाहिए होगा जो आपके कैमरा में डायरेक्ट अटैच हो जाता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप ये ऊपर वाला वीडियो चेक कर सकते हो। और अगर आपको इसी तरह के और भी माइक चेक करने, जैसे कि माउनो वाला माइक है और एक फिफिन का माइक है, अगर आप वो दोनों चेक करना चाहते हो तो आप नीचे वाला वीडियो भी देख सकते हो।